अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजन की मेंटेनेंस करने लिए तुम्हें सब तो पहले जो आयल ड्रेन करना है। आयल पाइप का जो ड्रेन वाल है खोलता है, ये खोलने तो बाद आयल साडा निकलना शुरू हो गया है। उस तो बाद असी एयर फिल्टर जी असम्बली है उन्हें भी जो एयर फिल्टर चेंज करूँगी। एयर फिल्टर कट देता है ओपन करके अपनों कवर इनू अंदर अच्छे तरीके ना साफ कर दूंगे ताकि जी अंदर मिट्टी कचरा है वह साफ हो जाए। और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कंप्लीट मेंटेनेंस की वीडियो ने। इन उधर क्लीन करने तो बाद नया एयर फिल्टर जरा है वो लगा दूंगे और नाल ऊपर वाला जरा कवर ने उन्होंने अच्छे तरीके ना साफ करके उन्होंने भी ला के और लाक लगा देते जाऊंगे। ये तीन लाक ने एयर फिल्टर दे, एयर फिल्टर से लाक भी लगाते ने असम्बली के नाल। हुण असीं आयल फिल्टर जिहड़ा है उहनू ओपन करूँगे। देख सकते तुसीं आयल फिल्टर जिहड़ा है इहनू हुण असीं खोल लूँगे, खोल के चेंज करूँगे इहदा आयल फिल्टर। आयल फिल्टर असीं खोल दिता है। थले आयल जिहड़ा है ड्रेन हो रहा पहलों क्योंकि इंजन रनिंग च सी। आयल असी ड्रेन करता है, आयल फिल्टर असी खोलता है। हूँ असी अगे जरा फ्यूल फिल्टर उन्होंने भी ओपन करूँगे। देखो जी असी फ्यूल फिल्टर भी ओपन कर दिता है। ये जनरेटर की या दूसरे इंजन की मेंटेनेंस करने का तरीकेकार ने और तुसी के अपने इंजन की खुद मेंटेनेंस कर सकते हो। आयरा डीजल फिल्टर जरा है वह भी ओपन करता है। हूँ असी नवा जरा आयल फिल्टर है पहले नया आयल लगाऊंगे। नवा आयल पा के उन्होंने ऊपर तक भर के आयल फिल्टर फिर लगाना है ताकि जरा आयल है पंप है वो आयल भी चुक जाए और जरा फिल्टर एडा खाली नहीं होना चाहिए। इस आयल पा आयल पा के फिर इनू लगाना चाहिए है। हूँ असी इनू आयल पा के अच्छे तरीके लगाता है। हूँ डीजल फिल्टर भी असी इस भी डीजल पा के फुल करके फेन लगाऊंगे ताकि जरा पंप है वो एयर ना लवे और जरा जनरेटर ने वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, ज़्यादा लिफ्टी पंप ना मारना पवे। इसलिए डीजल फिल्टर भी असी डीजल का फुल करके लगाता है। और इन दोनों अपने हाथ की मदद टाइट करना है, फिल्टर ओपनर ना नहीं। अगर फिल्टर ओपनर ना टाइट किए तो ज़्यादा ओवर टाइट हो जाने ने। हम असी आयल निकल गया, आयल बंद करता है इसलिए देख सकते हो आयल खत्म ने बिल्कुल, लिपस्टिक ना कुछ नहीं लगता खाली ने। आयल जरा है असी हूँ इन दवा पाऊंगे। आयल कवर जरा इन खोल के देखो खोल लिया है उपरों आयल कवर न खोल के ये आयल पोल ने असी नया आयल जरा है वह अंदर पाऊंगे। हर इंजन की अलहदा अलहदा कपैसिटी ने कि किसी इंजन के 8 लीटर आयल आता है, किसी इंजन के 10 लीटर आयल आता है, किसी 12 लीटर आता है। ये इंजन मॉडल के हिसाब ना आता है कि तुसी केरे इंजन मॉडल दे विच कितना आयल है वो तुसी देख लेना है। डिपस्टिक के उपर जरा आयल का निशान है असी वो तुहानू शो कर दिंदे ने कि कित्थे तिकर होवे ते पूरा हुंदा है। असी डिपस्टिक कटीए जरा उपर एल लिखिया है। देखो हजे साडा आयल जरा है इस तो थले ने, साडा आयल का लैवल हजे घट है। असी इहदे विच होर आयल ऐड करूँगे फिर दोबारा चैक करूँगे कि हुण आयल का लैवल कित्थे आया ने, आयल साडे इंजन च पूरा होया है कि नहीं होया। हुण तुसीं देख सकते हो जिहड़ा एल का निशान है ये लो का निशान है।
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆ ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ।